आज सारे देश में भारत की केंद्रीय सरकार की तरफ से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में एक अद्भुत एकता पैदा हो गई है। आखिर क्या कारण है कि देश की जनता समेत सभी दलों और सभी जानकार नागरिकों की तरफ से इस भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध हो रहा है? इसमें तीन बड़े दोष हैं। सबसे पहले तो यह किसान की जमीन लेकर बिचौलियों को देकर उसका जो मुनाफा है वो किसान की बजाय लैंड माफिया को, रियल एस्टेट माफिया को देने की साजिश है। यह बात सीएजी की रिपोर्ट में आ चुकी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर जो जमीन ली गई थी उसमें से 40% जमीन आज ना किसान के पास है ना उसका कोई इस्तेमाल है, वह सब की सब भू माफिया के कब्जे में पड़ी हुई है। दूसरा, इसके सामाजिक परिणामों को लेकर जो अब तक के भूमि अधिग्रहण कानून में व्यवस्था थी, क्योंकि खाली किसान की जमीन नहीं जाती, इससे फिर भूमिहीन मजदूर का रोजगार जाता है, बढ़ई, धोबी, कुम्हार, तेली, लोहार, इनकी रोजी रोटी किसान और खेत से जुड़ी है, इनका क्या होगा? किसान को तो आपने थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है, और ये सब के सब उखड़कर शहर की दरिद्र बस्तियों की भीड़ का हिस्सा बनने को मजबूर होते हैं। तो सामाजिक परिणाम के मूल्यांकन की कोई जिम्मेदारी आज इस नए कानून में नहीं है। तीसरे, अभी तक के सभी कानूनों में अगर किसान को एतराज था तो वह अदालत में जा करके न्याय की गुहार लगा सकता था। अब नेताशाही और बाबूशाही ने अगर फैसला कर दिया तो किसान की जमीन पर ना तो दलील हो सकती है, ना अपील हो सकती है, ना वकील हो सकता है। किसान को इतना बेसहारा तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की खतरनाक कंपनी के बाद मोदी सरकार ही करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, बात साफ है। आज कॉरपोरेट के हिस्से में ये सरकार खड़ी हो गई है, किसान को मजबूर समझ रही है। किसान लाचार नहीं है, वो हिंदुस्तान की बुनियाद है, और हम सब इस देश के अन्नदाता को इस तरह से लाचार नहीं होने देंगे। इस कानून को रोकेंगे, इससे बेहतर कानून की जरूरत पर बल देंगे। आइए इकट्ठा हो और जय किसान के नारे के साथ भूमि हड़पो कानून को रद्द कराएं।